स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पैन कार्ड जनरेट हो गया है और आपके पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे कुछ गलतियां हो गई, जैसे कि आपके नाम में हो सकता है या फिर टाइटल में हो सकता है, मोबाइल नंबर आपको चेंज करना हो, ईमेल आईडी में कुछ आपको गड़बड़ी चेंज करना हो, नॉमिनी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो एक फॉर्म आता है दोस्तों आपके सामने, ये फॉर्म है, इसको एनेक्स्टर S2 कहते हैं, है ना। ये फॉर्म आपको कहाँ कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा और अवेलेबल भी करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म को समझना है। इस फॉर्म में सीधा सीधे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल और रीइश्यू ऑफ IPIN TPIN पैन कार्ड। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ये जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है ये तो DDO के लिए आपके यूज के लिए नहीं है, इसमें आपको फिल नहीं करना, ये भी आपके लिए नहीं है। और BPSC टीचर्स के लिए DDO वाला मैटर है, ठीक है, तो आपके लिए वैसे भी ये वाला है, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो करेक्शंस आपके हैं इसमें, जो भी करेक्शंस आपके हैं, जैसे कि चेंज और करेक्शन इन पर्सनल डिटेल अगर है तो यहाँ टिक करना है, आपको रीइशू करना है TPIN और IPIN को यहाँ इशू करना है, चेंज और करेक्शन इन नॉमिनेशन डिटेल है तो यहाँ करना है, और आपको फिर से रीइशू कराना है पैन कार्ड तो यहाँ पे करना है, परमानेंट आपका रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, जो चेंजेस है बस उसी को आपको फिल करना है और ये उसके सामने इस तरह से टिक मार्क कर देना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, जो भी चेंजेस आपके वो चीज़ डालना है और यहाँ डाल देना। जैसे कि कई लोगों ने गलती क्या की, ये जो आपको टाइटल वाला ऑप्शन था वो फादर नेम या मदर नेम का जो टाइटल है वो डाल दिया, जबकि यहाँ वहाँ पे लिखा था सब्सक्राइबर टाइटल क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे ठीक करना, जो भी चेंज करना है उसमें टिक मार के कर दीजिएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी आपका डिटेल है, जो भी अपडेट करना है उसमें टिक करेंगे पहले, आगे में जो भी करना है उसके बाद वो डिटेल भरेंगे, और अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप अटैच करेंगे। और करना क्या है, अब ये फॉर्म कहाँ अपलोड करना है, कहाँ सबमिट करना है, तो जो नोडल ऑफिस आपका है, तो आपका नोडल ऑफिस जो आपका है DDO है, तो आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपने DDO का जो नंबर डाला था, वो जो नंबर डाला था उसके बाद आपको नीचे में पूरा डिटेल में एड्रेस, कौन सा ऑफिस है, क्या है, नहीं, वो सब कुछ आपके सामने आ गया था सामने, है ना। तो उसी जगह पे ये फॉर्म फिल करके आपको जमा करना है और वहीं से ये सारा अपडेशन के लिए जाएगा। आप इसको अपने एंड से सारा कुछ अपडेट नहीं कर सकते, अपने एंड से सिर्फ आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपका जो भी नोडल ऑफिस होगा, तो BPSC के केस में जो नोडल ऑफिस है वो आपका है, जो DDO नंबर आपने दिया था उसके बाद जो पूरा डिटेल आपका आ गया था किस क्या कौन सा जगह है, नहीं, आधार के ऊपर का जो ऑप्शन आपको अगर याद हो फॉर्म भरते समय का, तो वो आपको जाना है। दूसरी बात, अगर आपको कन्फ्यूजन अभी है कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में सभी जिले के कौन कौन से DDO ऑफिस के रजिस्टर्ड एड्रेस है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट tricksexpert.in पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे ये जो मैंने ऑप्शन ये डाला हुआ है मैंने यहाँ पे जो ब्लॉग, इसमें आपको जाना है BPS टीचर्स प्रैन EPS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस DDO ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है, इसमें आपको जाना है। और ये जो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे बिहार के सभी जिले का जो DDO का नेम है या ऐसे समझिए कि जो एड्रेस है वो आपको यहाँ दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अररिया को आप अगर जाना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का जो ऑफिस है एजुकेशन का, वहाँ आपको जाके सबमिट करना है, वहाँ जाके आपको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा, आप अगर देखेंगे कि जहानाबाद का था, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन जहानाबाद, कुछ कुछ जगह आप देखेंगे कि जैसे दरभंगा में लिखा है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारा चीज़ देखता है, तो इनके ऑफिस में जमा होगा, पता करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे डालना है और ये सब भर के आपको वहाँ अप्लाई करना है। जब आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो वहाँ से फिर आपका जो भी करेक्शन, जो वैलिड करेक्शंस है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसके बेस पर आपको करेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोगों ने फॉर्म अभी सबमिट नहीं किया है, ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है जिनका अभी तक, और उनको करेक्शंस समझ में आ गए कि हाँ उन्होंने ये गलती किया है, ये करेक्शन करना है, तो वो एडिट करने का तो ऑप्शन वहाँ नहीं आ रहा है, तो नया फॉर्म कैसे फिल करें उस पर मैं अगले वीडियो में आप सभी से बात करूंगा। नया फॉर्म फिल वो लोग कर सकते हैं जिनका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो गया, इनिशियल पैन नंबर जनरेट नहीं हुआ या इनिशियल किसी के नंबर जनरेट नहीं हुआ है,
ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे साथ जुड़ जाइए कंप्लीट हेल्प और सपोर्ट के लिए। आप लोगों के लिए मैंने बताया ही था, टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिया है, आप वहां से भी जुड़ जाइए। साथ ही साथ एक ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है, हमारी टीम लगी हुई है पूरी तरीके से। आप एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो भी मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। डायरेक्ट लिंक के जरिए आप वो प्ले स्टोर से ऐप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल में अगर आप चाहेंगे 1-to-1 आपसे बात करके आपको सपोर्ट करने की, हेल्प करने की, तो वो भी आपको किया जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।